Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अंसारुल शरिया का हदफ पुलिस एहलकार थे। दो सिक्योरिटी गार्ड्स और रजाकारों को भी कत्ल किया। तंजीम बनाने वालों का ताल्लुक अलकायदा से है, डीजी रेंजर्स कहते हैं। टारगेट किलिंग टीम की शनाख्त हो गई। इसने एक दूसरे ग्रुप की वारदातों की जिम्मेदारी भी कबूल की। अंसारुल शरिया के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। तालीम याफ्ता दहशत गर्दों का ताल्लुक मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से था। वालदैन बच्चों पर नजर रखे। मेजर जनरल मोहम्मद सईद की अपील, कहते हैं दहशत गर्दी के बढ़ते रुझान में कोई किरदार नहीं। कराची की 5 जामियात और 2 कॉलेजेस में अंसारुल शरिया मुतहरिक है। तलबा का डेटा हासिल किया जा रहा है। जराए का दावा, गुलिस्तान जौहर से कलदम तंजीम के 7 कारिंदे गिरफ्तार। खुदकुश जैकेट्स बरामद। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का मुसहिफ एयरबोस एयरबेस सरगोधा का दौरा। वजीर आजम ने F-16 तैयारे में परवाज की। पाक फिजाइया के सरबरा ने भी दूसरे तैयारे में उड़ान भरी। मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली खुश आइंद है। बुरी खबर सुनाना इमरान खान का फर्ज बन गया। उन्हें अच्छी आती। वजीर दाखला कप्तान पर बरस पड़े। कहा पानामा फैसले से मईशत को 14 अरब डॉलर्स का झटका लगा। पीटीआई को नया नाम रखने का मशवरा भी दे दिया। अपनी जमात का नाम तहरीक इंसाफ से हटा के तहरीक सत्यानाश और बेड़ा गर्क रख लें। और मरियम नवाज ने मुश्किल हालात में कायद नवाज शरीफ है, वो जिसे कायद कहेंगे वही मेरा कायद होगा। स्पीकर कौमी असेंबली का 2 टोक ऐलान। कहते हैं आर्मी चीफ से पूछूंगा क्या फौज में भी कुछ लोग 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर बैठते हैं।